आइए राजस्थान राज्य में स्थित मेवानगर की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ अति सुंदर अति मनोहर सुरम्य ऐसे श्री नाकुड़ा पार्श्वनाथ परमात्मा एवं नाकुड़ा तीर्थ अधिष्ठायक श्री नाकुड़ा भैरव देव का भव्य मंदिर करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिन शासन की आन बान और शान देश विदेशों में भी सुप्रसिद्ध अद्भुत अकथनीय दर्शनीय बेजोड़ बेमिसाल गौरवशाली संस्था यानी श्री नाकुड़ा तीर्थ ट्रस्ट संचालित श्री जैन ज्ञानशाला जिनकी स्थापना तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मितिसुरेश्वर जी महाराज साहब के तपोमूर्ति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मंगल प्रभ सूरी जी महाराज साहब ने सर्वप्रथम विक्रम संवत 2003 में राजस्थान राज्य के शिवगंज नगर में इस ज्ञानशाला की स्थापना की थी और दीर्घदृष्टा स्वाध्याय प्रेमी रत्नत्रय उपासक एवं अनुशासन प्रेमी ऐसे दादा गुरुदेव श्री पुखराज जी साहब ने भी इसी ज्ञानशाला के अंदर सेक्रेटरी के रूप में सेवा प्रदान की। तत्पश्चात संयोगाधीन यह ज्ञानशाला 5 वर्ष तक बंद रही। पुनः ईस्वी सन 1991 में ज्योतिष शिल्प प्रतिष्ठाचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान रेवत विजय जी महाराज साहब के शुभ आशीर्वाद से श्री वर्धमान तत्व प्रचारक विद्यालय के नाम से यह ज्ञानशाला प्रारंभ हुई। उसके पश्चात दिनांक 25/4/1996 में श्री नाकुड़ा तीर्थ की पुण्य धरा पर श्री जैन ज्ञानशाला के नाम से यह संस्था स्थापित की गई। कहा जाता है कि बहुरत्ना वसुंधरा, जैसे वसुंधरा की कोख में पाषाणों के साथ कई सुनहरे चमकीले कोहिनूर भी छिपे हुए रहते हैं, वैसे ही उस वसुंधरा की गोद में जीवन निर्वहन करने वाले अरबों व्यक्तियों में कई चमकते कोहिनूर जैसे भी होते हैं।
राजेंद्र, हम नाकोड़ा जी तीर्थ में आए हुए हैं और नाकोड़ा जी के मुख्य मंदिर से जसवल वाले रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये नाकोड़ा जी ज्ञानशाला बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम जो है नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ ज्ञानशाला में आए हुए हैं। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।